बिग शो। इस नाम से हर वो इंसान बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होगा जो WWE का फैन रह चुका होगा। 90 के दशक में जब भारत में केबल टीवी की शुरुआत हुई थी, तब अचानक से युवाओं के बीच WWE फाइट देखने का क्रेज चढ़ने लगा था और ऐसे में कुछ पहलवान भारत में लोकप्रिय होने लगे थे। उनमें से एक नाम था बिग शो, जो अपनी भारी भरकम काया की वजह से चर्चा का विषय बन गए थे। लेकिन बिग शो अब कहाँ है? WWE से रिटायर होने के बाद बिग शो अब क्या करते हैं? चलिए बिग शो के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। बिग शो अमेरिका के साउथ कैरोलिना के रहने वाले हैं। यहीं पर 8 फरवरी 1972 को बिग शो का जन्म हुआ था। इनका असली नाम पॉल डोनाल्ड व्हाइट है। पैदाइश के साथ ही बिग शो एक्रोमिगेली नाम की बीमारी का शिकार हो गए थे। इस बीमारी में शरीर के कुछ अंग अप्रत्याशित तरीके से बढ़ने लगते हैं। बिग शो का लंबा चौड़ा कद इसी बीमारी की देन है। बिग शो की हाइट 7 फीट 1 इंच है, लेकिन जब वो महज 12 साल के ही थे तो उनकी हाइट 6 फीट 2 इंच हो चुकी थी। यूं तो इस बीमारी की वजह से बिग शो उर्फ पॉल व्हाइट को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इन्हें एक बड़ा फायदा भी इस बीमारी के चलते हो गया। छोटी उम्र में ही ये अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बन गए। बास्केटबॉल के अलावा अमेरिकन फुटबॉल में भी बिग शो ने खुद को आजमाया। हालांकि बाद में कोच से विवाद होने के चलते बिग शो ने अमेरिकन फुटबॉल खेलना बंद कर दिया, लेकिन अपनी टीम के लिए वो चीयरलीडिंग जरूर करते रहे। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बिग शो ने कई जगह बाउंसर के तौर पर नौकरी की। कुछ वक्त तक इन्होंने पुलिस के सहयोगी के तौर पर भी काम किया और थोड़े से समय के लिए ये एक कंपनी में कॉल आंसरिंग की नौकरी पर भी गए। पर चूंकि बिग शो की किस्मत को उन्हें WWE की तरफ लाना था, तो ये सभी नौकरियां कुछ वक्त के बाद छूटती चली गई। बिग शो की आखिरी नौकरी एक कराओके कंपनी में थी और इसी नौकरी के दौरान बिग शो की मुलाकात डैनी बोनाड्यूस नाम के एक शख्स से हुई, जो एक रेडियो प्रेजेंटर और एक्टर है। उस शख्स की मदद से ही बिग शो की जान पहचान रेसलिंग जगत के कुछ बड़े नामों से हुई और आखिरकार बिग शो को पहली दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग यानी WCW में फाइट करने का मौका मिला। इसके बाद तो बिग शो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे यहां आपको ये बताना जरूरी है कि रेसलिंग करियर की शुरुआत में बिग शो ने द जायंट नाम से कुश्तियां लड़ी थी। उस वक्त कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि द जायंट एक जमाने के धाकड़ रेसलर आंद्रे द जायंट के बेटे हैं। हालांकि बाद में ये गलतफहमी दूर हो गई थी। साल 1999 में बिग शो WWF का हिस्सा बने और यही वो वक्त था जब मैंने पहली दफा बिग शो को 10 स्पोर्ट्स नाम के चैनल पर कुश्ती लड़ते देखा था। हालांकि WWF में इनकी शुरुआत इनके असली नाम पॉल व्हाइट से ही हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने बिग शो नाम से फाइट लड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद तो बिग शो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग शो ने अपने दौर के लगभग हर बड़े नाम के साथ फाइट की। वो कई दफा हारे और कई दफा जीते। कई नामी टाइटल्स उन्होंने अपने नाम किए। फिर साल 2021 में बिग शो ने WWE छोड़ दी। आजकल वो इलीट रेसलिंग में कमेंट्री करते दिखाई देते हैं। हालांकि यहां उन्होंने कुछ मुकाबले भी लड़े हैं, लेकिन अब वो अधिकतर कमेंट्री ही करते हैं। चलिए अब आपको बिग शो के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी बता देते हैं। बिग शो इतने विशाल हैं कि उन्हें अपने लिए 22 नंबर का जूता खरीदना पड़ता है और ये जूता उनके लिए विशेष तौर पर बनाया जाता है। बिग शो की छाती का साइज 64 इंच है। साल 1998 में बिग शो को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि एक होटल रिसेप्शनिस्ट ने बिग शो पर इल्जाम लगाया था कि वो उसके सामने नंगे हो गए थे। हालांकि अदालत से बिग शो बाइज्जत बरी हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक वैनिटी वैन खरीद ली और होटल्स में रुकना ही बंद कर दिया। वो कहीं भी जाते हैं अपनी वैनिटी वैन में ही सोते हैं। बिग शो ने कई फिल्मों और टीवी शोज में भी काम किया है।